इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है कोई सा भी एंड्रॉयड मोबाइल और उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपने आप दोस्तों ऑन हो जाता है या अपने आप ऑफ हो जाता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़े से पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, आप दोनों तरीकों को देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन पैनल नीचे करना है। नीचे करेंगे तो इसमें आपको दोस्तों या तो दोस्तों आपको एक डीएनडी मोड का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड का। जैसे आप देख सकते हैं मेरे फोन में है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब वाला, तो आप इस ऑप्शन को ढूंढ लीजिए डू नॉट डिस्टर्ब या फिर डीएनडी मोड, और जब मिल जाता है तो उस पर आप फिंगर से लॉन्ग प्रेस करिए तो डायरेक्ट आप जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड वाले सेटिंग में आ जाएंगे। और डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपने आप ऑन या ऑफ होता है, इसका मतलब है कि वो आपके फोन में शेड्यूल है, मतलब आपने उसका टाइम शेड्यूल कर रखा है। तो अब दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आकर आपको दोस्तों ये ढूंढ लेना है कि आपका शेड्यूल टाइम कहाँ पर है। जैसे देखिए मेरे फोन में जब हम यहाँ थोड़े नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं शेड्यूल टाइम मुझे यहाँ पर मिल गया। तो आपको दोस्तों अपने दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आकर दोस्तों अपना जो है शेड्यूल टाइम दोस्तों लेना है ढूंढ, और दोस्तों जो शेड्यूल टाइम आपके फ़ोन में ऑन है तो उस शेड्यूल टाइम को बंद कर देना है। देखिए मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, तो अब जो है हमारे फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपने आप ऑन या ऑफ दोस्तों नहीं होगा। तो पहले आप ऐसे कर सकते हैं, और सेटिंग से अगर आपको जाना है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो आपको ये अपने फ़ोन में एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दोस्तों एक सेटिंग मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब का, इस पर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों आप जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। फिर दोस्तों आपको जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आकर आपको अपना शेड्यूल टाइम ढूंढ लेना है कि आपका शेड्यूल टाइम कहाँ पर है, और जहाँ पर आपको शेड्यूल टाइम मिलता है तो आपके फ़ोन में वो शेड्यूल टाइम वाला सेटिंग इनेबल होगा। तो आपको क्या करना है, शेड्यूल टाइम वाला सेटिंग देना है बंद कर, तो उसके बाद जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपने आप ऑन या ऑफ दोस्तों नहीं होगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपने आप ऑन या ऑफ होने के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।